वीनस जो कि ग्लैमर को रिप्रेजेंट करते हैं, फिफ्थ हाउस जो कि एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, और राहु जो कि ड्रग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 अक्टूबर को आर्यन खान अरेस्ट हुए। तो जुलाई के महीने में जब राज कुंद्रा का अरेस्ट हुआ था, ये केस जो है इस टाइम पे सरफेस में आया। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। पिछले कुछ दिनों से फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग काफी चर्चा में रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि इस पे कुछ वीडियो बनाएं, इनके बारे में कुछ प्रिडिक्शन करें। तो देखिए, मेरे पास इन लोगों का टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ तो है पर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो एज ए रिजल्ट मैं इनके बारे में इंडिविजुअल प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकती। पर हाँ, ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास ऑन अ पर्सनल लेवल जो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो पिछले एक साल में खास करके बहुत आए हैं, और वो भी जो है इंडिविजुअल लेवल पे ड्रग्स रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स लेके बहुत ज़्यादा आए हैं कि जी फैमिली का कोई मेंबर इन्वॉल्व है या कोई बच्चा है। एडिक्शन की प्रॉब्लम पिछले एक साल में मेरे पास भी ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत ज़्यादा आई हैं। तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा रीज़न है कि इतना जो है हम ड्रग्स के बारे में सुनने को हमें मिल रहा है, और अब तो न्यूज़ में भी चर्चा में भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या कह रहे हैं, जो प्लानिटरी पोजिशन है वो क्या कह रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें निकल के आई, आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगी। देखिए, इंडिया के हॉरोस्कोप है, इंडिया की चार्ट में 20 सितंबर 2020 को राहु जो है वो भारत के लग्न में गोचर के आ गए थे। अब राहु को जो है क्लासिक्स में डिस्क्राइब किया गया है धुआं, राइट? आप प्लीज देखिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। राहु जो है, खास करके जब राहु का कनेक्शन वीनस से हो जाता है तो इट लीड्स टू एडिक्शन। किसी इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप में भी जब राहु वीनस एक साथ आते हैं तो वहाँ पे वो इंडिकेट करता है कि ऐसा इंसान किसी ना किसी तरह का उसको कोई ना कोई एडिक्शन होगा। तो अब ये इंडिया की कुंडली में हुआ ये कॉम्बिनेशन, तो मतलब देश में ऐसे हालात बनेंगे जहाँ पे आप एडिक्शन रिलेटेड या ड्रग्स रिलेटेड या स्मोकिंग या अल्कोहल, ऐसे किसी भी तरह के एडिक्शन रिलेटेड जो है आप न्यूज़ जो है ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगी, माहौल एक ऐसा बन जाएगा। अब वीनस, वीनस जो है वो इंडिया की कुंडली में इंडिया का जो है वो लग्न है, तो यार राहु और वीनस का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो है वो बन गया है। राहु जो है वो ड्रग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब चीजों को जो है राहु रिप्रेजेंट करते हैं। अब वीनस जो है, जो टॉरस साइन है खास करके, जो कि इंडिया के लग्न का साइन है, पर वो काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस को रूल करता है। सेकंड हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके माउथ को, आपके फेस को, आपके मुंह को। अब जब हम एडिक्शन की बात करें तो देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अल्कोहल, ड्रग्स, माउथ, तो वीनस राहु का एक साथ आना, एक कनेक्शन हो जाना। सो व्हाट डस दिस ऑल इंडिकेट? दिस ऑल इंडिकेट्स की प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडिक्शंस विल कम इन टू सर्फेस, मतलब आपने आसपास में ही ऐसी चीज़ें सुनने को आपको मिलेंगी। मैं आपको फर्दर और एक्सप्लेन करूंगी, दशा पैटर्न भी बताऊंगी इंडिया का कि वो किस तरह से कनेक्ट कर रहा है। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्यों फोर फ्रंट में आए, क्यों फिल्मी लोग जो है ज़्यादा इन सब चीज़ों में आए। तो देखिए, फिल्म को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस, पंचम भाव, फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड, प्लस वीनस। वीनस जो है वो ग्लैमर इंडस्ट्री को, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं, ग्लैमर के और भी जो क्षेत्र हैं उनको भी रिप्रेजेंट जो है वो वीनस करता है। राहु का भी योग आता है, जहां हम बात करते हैं विजिबिलिटी की तो वहां राहु भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब ये सारे प्लैनेट्स का रोल आ गया, अब देखिए कनेक्शन किस तरह से इनका आगे बन रहा है। अब जो मैं कुंडली आपको दिखाने वाली हूँ वो है उस दिन की जिस दिन राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया था। राहु जो है वो टॉरस में, यानी कि इंडिया के लग्न में सितंबर 2020 में एंटर कर चुके थे। मई के महीने में जो है सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए थे, उसके बाद फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए थे। जुपिटर पहले एक्वेरियस साइन में थे, फिर वो आके आ गए आपके कैप्रिकॉर्न साइन में। अब राज कुंद्रा अरेस्ट हुए जुलाई के महीने में। जुलाई में देखिए जुपिटर जो उस समय एक्वेरियस में थे, वहां से वो जो है मरकरी जो कि फिफ्थ लॉर्ड है, भारत की कुंडली का फिफ्थ लॉर्ड है, और फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है थिएटर को, एंटरटेनमेंट को और फिल्म इंडस्ट्री को। तो जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड, जुपिटर फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड से कनेक्शन बना रहे हैं। दूसरा, जुपिटर जो है
मार्स और वीनस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। वीनस देखिए यहाँ पे आ गया रोल में, और जुपिटर जो है इंडिया की कुंडली के एर्थ लॉर्ड है, अष्टम भाव के स्वामी है। एर्थ हाउस जो है वो हिडन एक्टिविटीज का हाउस है, अंडर कवर जो चीजें हो रही हैं, जो छुपके हो रही हैं, जो इलीगल चीजें हो रही हैं। तो एर्थ लॉर्ड का कनेक्शन मरकरी फिफ्थ हाउस जो कि रिप्रेजेंट करता है फिल्म इंडस्ट्री को उससे हुआ, प्लस वीनस जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है उससे हुआ। तो यहाँ पे देखिए फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड केस सामने आया जो कि अंडर इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी। तो देखिए किस तरह से प्लैनेट्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये उस टाइम की प्लैनेटरी पोजिशन थी। अब आता है द फेमस आर्यन खान केस। 3 अक्टूबर को आर्यन खान अरेस्ट हुए, तो उस दिन की जो हॉरोस्कोप है वो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है उस दिन का। अब अगर हम 3 अक्टूबर की प्लैनेटरी पोजिशन की बात करेंगे तो 3 अक्टूबर को जो है वीनस जो है वो केतु के साथ कंजंक्ट था, राहु के ऑपोजिट था, राहु के बिल्कुल सामने था। तो वीनस डायरेक्टली राहु केतु एक्सेस में आ गया, वीनस का कनेक्शन बन गया। जुपिटर अक्टूबर के महीने में जुपिटर रेट्रोग्रेड थे 3 अक्टूबर को, और मकर राशि में अपनी नीच की राशि में, वहां से जो है जुपिटर मरकरी को जो कि पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं तो उसको देख रहे हैं, प्लस लग्न को देख रहे हैं और लग्न में बैठे राहु को देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से वीनस ग्लैमर को रिप्रेजेंट करते हैं, फिफ्थ हाउस जो कि एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, और राहु जो कि ड्रग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन तीनों का किस तरह से जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इन तीनों को जो एर्थ हाउस जो कि हिडन एक्टिविटीज का, इलीगल काम करने की एक्टिविटीज का घर है, उसके लॉर्ड जुपिटर जो है जो कि कुछ नीच के हुए हैं वो इन सबको देख रहे हैं, इसीलिए जो है ये केस जो है इस टाइम पे सरफेस में आया। अब आगे क्या, अब देखिए वीनस जो है अभी पीड़ित है। 31 अक्टूबर को वीनस जो है वो स्कॉर्पियो राशि से केतु से कंजंक्शन से बाहर निकलेंगे, पर वीनस जो है मैं कहूँगी पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे ऐसा नहीं है, वीनस फिर भी थोड़ा पीड़ित ही रहेंगे क्योंकि वीनस का जो मूवमेंट होगा 31 अक्टूबर को वो इंडिया के एर्थ हाउस में जाएंगे और केतु के नक्षत्र में ही रहेंगे। 2 नवंबर को जो है मरकरी मूव कर जाएंगे फिफ्थ हाउस से, और 20 नवंबर को जो है जुपिटर अपनी नीच की राशि से एक्वेरियस साइन में जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है कुंभ राशि में जो है आ जाएंगे। तो धीरे धीरे प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है, पर मैं ये कहूँ कि अभी पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी अभी ऐसा नहीं है। अभी जो है आप न्यूज़ में ड्रग्स रिलेटेड और फिल्म इंडस्ट्री को लेके कुछ ना कुछ खबरें जो है अभी आप फ्यूचर में सुनते रहेंगे। और जैसे मैंने कहा मेन कल्प्रेट राहु, जब तक राहु लग्न में है तो स्पेशली ड्रग्स और एडिक्शन को लेके जो है खबरें हमें सुनने को मिलती रहेंगी। उसके अलावा देखिए दशा पैटर्न, दशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया की दशा चल रही है अभी, महादशा जो इंडिया की है वो मून की है, अंतर दशा मरकरी की है। जुलाई के महीने में जब राजकुंद्रा का अरेस्ट हुआ था तब प्रत्यंतर दशा भी मरकरी की थी, मरकरी जैसे मैंने कहा फिफ्थ लॉर्ड है। 22 सितंबर को केतु की दशा आई, जब से जो है ये ड्रग्स का केस और माया हमने देखा स्पेशली आर्यन खान का। अभी केतु की दशा जो है 16 जनवरी तक चलेगी, 16 जनवरी से जो है वीनस की दशा आएगी। तो अभी जो दशा पैटर्न है वो भी इंडिकेट कर रहा है जो सिचुएशन अभी हमें देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स देखिए किस तरह से ग्रह जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैंने भारत की कुंडली और गोचर जो ट्रांजिट है उसकी हेल्प से जो पिछले कुछ महीनों से जो घटनाएँ हो रही हैं उसको आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। I will be waiting for your feedback. अपना feedback मुझे ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।